इधर डाउन है, इधर डाउन है, हम इसे भी नजरों से नजर से भी देख रहे लाडोगे आकाश लाडोगे भाई देखो मैं रहता तो बनाइएगा भी कुछ नहीं पानी रुकेगा आपको इतना वर्षों का अनुभव सर एक बार फिर अपना नाम बता दीजिए हमको। मेरा नाम राम गोविंद महतो है, मैं कमला रोड विद्यानगर में रहता हूँ। सर ये जो मकान को आप उठाए हैं जैक से, तो देख रहा हूँ कि पीछे साइड से बहुत क्षति है, तो इसको आप किस रूप में लेते हैं? आप प्रसन्न हैं कि दुखी हैं इस बात को लेकर, इसको बताइए। मकान बनाने में जो पैसा लगता है उससे तो दुखित हैं आप, बहुत ज़्यादा खर्चा रहा है जी। और ये डैमेज जो हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? वो है एग्रीमेंट में आपके साथ? एग्रीमेंट है, नियम तो उसको भरपाई करना है जी। लेकिन आवश्यकता हमको, हम क्या करेंगे उसको, जैसे तैसे कराएंगे। कितना बजट लग गया होगा अभी तक आपको? 3 लाख उनका है। 3 लाख मजदूरी लिया है जी हाँ। 2.5 लाख रुपया का हम सामान अभी तक दे चुके हैं। तो 3, 2, 5, 6, 7 लाख रुपया खर्चा बुझाता है? ज्यादा 7 लाख से ज्यादा जी हाँ। अनुमानित उसको अर्थवर्क कराना पड़ेगा, मिट्टी भराना पड़ेगा, ये सब मैं बनाते उनाते 15 तक पड़ जाएगा जी। कब बनाए थे मकान सर आप? 1985 में बनाए थे जी हाँ। पुराने मेथड से बना था, लोकल बालू से? हाँ, नीचे वाला लोकल बालू से बना था, ऊपर वाला जो है सो सोन सैंड से बना था। अच्छा, ढलैया वगैरह किए थे उसमें? गिट्टी वगैरह लोकल ही था, ईटा वाला? नीचे वाला में लोकल गिट्टी था और ऊपर वाले में सब चिप्स था ऊपर वाले में जी हाँ। बेस में मतलब लोकल था जी हाँ। ईटा सब कुछ सबको ढलवा दीजिए और देखते हैं क्रैक व्रेक सब क्या हुआ। छत भी लगता है छोड़ दिया है, क्रैक हो गया है छत में? क्रैक हुआ है दीवार, छत छोड़ दिया है यहाँ पर। हाँ हाँ, यहाँ से दीवार से हट गया है। हाँ, दीवार से हट गया है, दीवार से बहुत ज्यादा।